हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वन मोर एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर टू. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. देयर आर फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स. राइट देयर नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर होम्स. तो यहाँ पर कुछ फार्म एनिमल्स के नेम है, कुछ वाटर एनिमल्स के नेम है और कुछ जंगल एनिमल्स के नेम है. और उनको हमें उनके होम्स के अकॉर्डिंग उनके नेम राइट करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द एनिमल्स. हॉर्स, हैंड, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, बियर, डॉग, बफेलो, काउ, मंकी, रिनोसेरस एंड जिराफ. सो नाउ लेट्स सेपरेट दीज एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर होम्स. तो वो कहाँ कहाँ रहते हैं उनको हम देख लेते हैं. फार्म एनिमल्स, जंगल एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स. तो लेट्स सी हॉर्स. हॉर्स कहाँ पर रहता है? फार्म. तो हम इसे यहाँ पर राइट कर देंगे. हैन भी पॉलिटी फॉर्म्स में रहती है. सो वी विल राइट हेयर. क्रोकोडाइल वाटर एनिमल है. सो वी विल राइट इट हेयर. फ्रॉग इज ऑल्सो अ वाटर एनिमल. सो वी विल राइट इट्स नेम हेयर इन द वाटर एनिमल्स. बियर लिव्स इन जंगल. ठीक है, भालू जंगल में रहता है. डॉग ऑल्सो लिव इन फार्म हाउस. बिकॉज डॉग जो है हमारा वॉचमैन का काम करता है और हम जो अक्सर जो है डॉग को वॉचमैन के तौर से अपने फार्म हाउस पे रखते हैं. बफेलो फार्म हाउस में रहते हैं. So it is farm animal. Cow also is a farm animal. Monkey का जो home होता है वो trees होते हैं और mostly they should live on और in jungle. लेकिन अक्सर वो हमें अपनी घरों के आसपास भी नज़र आते हैं, लेकिन इनका जो main home होता है वो जंगल होता है. Rhinoceros, ये animal भी जंगल में रहता है. एंड जिराफ ऑल्सो लिव्स इन जंगल. सो स्टूडेंट्स, फार्म एनिमल्स, जंगल एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स. सो नाउ डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश नोटबुक नीडली.